वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 15। पिछले वाली क्लास में हमने कैटल फार्मिंग की थी, मतलब गाय भैंस को पालना सीखा था, ठीक है। उनकी एग्जॉटिक ब्रीड मतलब फॉरेन ब्रीड और इंडियन ब्रीड, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, ठीक है। क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए फीडिंग में उनके, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम दो चीजों को पालना सीखेंगे, ठीक है। एक तो हमें पालनी है सबसे पहले मुर्गी, ठीक है भी, और दूसरी हमें पालनी है क्या, हनी भी, मधुमक्खी, ठीक है। सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम ऐसे बर्ड्स को पालते हैं जिनसे हमें दो चीजें मिले, एग एंड मीट। और सबसे ज्यादा जो बर्ड पाले जाते हैं वो है हैं, मुर्गी पाली जाती है। इसके अलावा डक भी पाली जाती है कई जगह पर, डक के भी अंडे जो है लोग खाते हैं, और कुछ जगहों पर जो है और भी जानवर जो बर्ड्स भी पाले जाते हैं, कुछ जगह पर ऑस्ट्रिच को भी पालते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर नजफगढ़ के पास जटीकरा एक जगह है, गांव है, वहां पर पहले ऑस्ट्रिच फार्म खुला था आज से 3-4 साल पहले, ठीक है। बाद में हालांकि वाइल्ड लाइफ ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, तो ऑस्ट्रिच भी पालते हैं, इतना बड़ा अंडा होता है उसका, ठीक है। तो लेकिन मेनली दो चीजें पाली जाती हैं, एक तो हैन पालते हैं और कुछ जगह पे डक पालते हैं, मोस्टली 90% हैन पाली जाती है, दो चीजों के लिए, एग के लिए और मीट के लिए। अच्छा, एग क्यों खाते हैं, एग में क्या चीज है, एग इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स, ठीक है। इसीलिए जो है मुर्गियों को पाला जाता है, और मीट के लिए पालते हैं भी, मीट से जो है प्रोटीन और फैट दोनों चीजें, ठीक है। जिन मुर्गियों को अंडों के लिए पाला जाता है उनको हम एग लेयर्स कहते हैं, वो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है, उनका साइज छोटा होता है, खास बात है उनकी, ठीक है। और वो लगभग हर रोज अंडे देती है, उनको डाइट ही इस तरह की दी जाती है कि वो अंडा दे, ठीक है। अंडा का आपने देखा होगा कि उसकी जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसीलिए जो मुर्गी की जो डाइट होती है, जो एग लेयर्स मतलब वो मुर्गियां, वो चिकन, वो हैं जिनको हम एग ऑब्टेन करने के लिए पालते हैं, जो उनको हम एग लेयर्स कहते हैं, एग लेयर्स की डाइट के अंदर वेरी हाई अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे सस्ता सोर्स है पत्थर, इसलिए मुर्गियों को पत्थर खिलाए जाते हैं, मार्बल के टुकड़े छोटे छोटे, वो उनको खा लेती हैं, डाइजेस्ट भी कर लेती है, और उससे उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो और वो जरूरी है, अगर वो नहीं देंगे तो उनके अंडों की आउटर कवरिंग हार्ड की बजाय सॉफ्ट हो जाएगी, अंडे जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए उनको डाइट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का होना जरूरी है, और उसका सबसे बढ़िया सोर्स है मार्बल पत्थर, मार्बल के छोटे छोटे पीसेज उनको खिलाए जाते हैं अलोंग विद सीरियल्स, ठीक है। गेहूं चावल ही तो खिलाई जाएंगे उनको, ठीक है, दाना जो है, इसके साथ साथ उनको क्या खिलाया जाएगा भी, इसके साथ साथ उन्हें पत्थर भी खिलाए जाएंगे एग लेयर्स को। दूसरे जो हैं जिनको पालते हैं मीट के लिए, उनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, उनको मीट के लिए पालते हैं, ठीक है। छोटा सा चीक हुआ, उसको हमने खिलाया पिलाया, वो 2 महीने में ही बिल्कुल बड़ा तैयार हो जाता है, कटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसको मीट के लिए पाला जाता है, उनसे मीट मिलता है, उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, रात दिन खाते रहते हैं। अगर आप कभी जाओ मुर्गी फार्म में तो वहां पे जो है बल्ब जलते रहते हैं, मुर्गियां लगातार 24 घंटे जागती हैं, सोती नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर लाइट बंद हो गई तो उनको नींद आ जाएगी, सो जाएंगी, फिर अंडा नहीं देंगी, ठीक है। इसीलिए वहां पे 24 घंटे बल्ब जलते रहते हैं ताकि मुर्गियां जागती रहें, खाना खाती रहें और अंडे देती रहें, या ब्रॉयलर जो है खाना खाते रहें, अपने बॉडी साइज को बढ़ाते रहें, वेट बढ़ता रहे, ठीक है। तो दो टाइप के इस तरह से हैन हो गए, एक एग लेयर्स जिनको हम अंडों के लिए पालते हैं, उनकी डाइट में मेनली क्या चीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, और ब्रॉयलर्स जिनके डाइट में मेनली प्रोटीन होगा, ठीक है। अच्छा, दो टाइप की वैरायटीज हैं, एक तो हमारी इंडियन ब्रीड है भी, देसी मुर्गियां जो होती है, ठीक है, उनकी 3 वैरायटीज हैं, एसील, काला, कालिया, काजल, 4 वैरायटीज हैं, ठीक है। ये हमारे देसी मुर्गियां हैं, ठीक है। उनमें खास बात क्या होती है, देसी मुर्गी जो होती है भी हमारी,
उनमें समर एडेप्टेबिलिटी होती है, यहाँ की गर्मियों को वो सहन कर लेती है, ठीक है, लेकिन वो अंडे कम देती है, एक हफ्ते में एक बार अंडा देती है, ठीक है, उनमें मीट प्रोडक्शन भी कम होती है, ठीक है। खासियत क्या है उनकी, एक तो बीमार नहीं पड़ती। आपने देखा होगा अगर कुछ जगह पर हम जाते हैं तो मुर्गियां जो सड़क पे घूमती है, वो हमारी देसी मुर्गियां होती है, कुछ भी खा पी लेती हैं, वो बीमार नहीं पड़ती, ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। और सफेद सफेद से रंग की आपने देखी होंगी मुर्गियां, उनको हम व्हाइट लेग हॉर्न कहते हैं, ठीक है। और एक लाल से रंग की देखी, जिसके सिर के ऊपर लाल रंग का सा कुछ हिलता सा रहता है, गले के पास लाल लाल से रंग का हिलता रहता है, उसको रोड आईलैंड रेड कहते हैं। ये दोनों एग्जोटिक ब्रीड है, ये जो है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, अंडे देती है। तो ये दो एग्जोटिक ब्रीड है, विदेशी एक तरह की ब्रीड है। इनमें खास बात क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एग प्रोडक्शन, एग बहुत ज्यादा अमाउंट पे देगी। दूसरी खासियत क्या है इनमें, कि मीट प्रोडक्शन भी इनका ज्यादा होता है। नुकसान क्या है, एक तो यहाँ की गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, दूसरा जो है इनके अंदर जो है डिजीज रेजिस्टेंट, अगर एक बीमार होगी, मुर्गियों में खास बात होती है अगर एक बीमार होगी तो सारी बीमार हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह में सारी की सारी रहती है। इसीलिए जहां पर इनको हम पालते हैं वहां पर जो है बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है, इनको वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है, और जो इनका वेस्ट मटेरियल है बार बार उनको रिमूव किया जाता है, क्योंकि मुर्गियां जो है भी जहां पे खाएंगी वहीं पे सारे के सारे गलत काम भी करेंगी, तो इस चीजों को, उसके वेस्ट मटेरियल को लगातार वहां से हटाना पड़ता है, ठीक है। जिस जगह पे वो रहती है, जो उनका शेल्टर है, उसकी साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां बीमारी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कई बार जो है वहां पे बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, कई बार तो क्या होता है कि मुर्गियां वहीं मर जाती हैं, दूसरी मुर्गी को पता ही नहीं होता, उसके ऊपर पैर के ऊपर रख के बैठी हुई है। इस तरह की डिजीज बर्ड को और जो मरे हुए बर्ड हैं उसको फटाफट वहां से रिमूव करना जरूरी है। अगर एक बीमार होगी मुर्गी तो सारी बीमार हो जाएंगी विद इन 2 or 3 days। बर्ड फ्लू फैला था भी, ठीक है ना, पूरे के पूरे मुर्गियों को मारना पड़ा, हांगकांग में बर्ड फ्लू फैला, ठीक है, सारी मुर्गियों को मरवा दिया वहां, ठीक है। इंडिया में बर्ड फ्लू फैला, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ठीक है, 2-3 महीने बाद जो मुर्गियों के रेट कम हो गए, लोग खुश हो गए, तंदूरी मुर्गे पर पूरा जोर दे रखा, ठीक है। यहाँ के लोगों की सोच थी कि बर्ड फ्लू हुआ है कोई बात नहीं, मुर्गी तंदूर में भुनने के बाद सब बर्ड फ्लू हुआ है, तो यहाँ के लोग जो है काफी रिस्की है भी, ठीक है। तो लेकिन मुर्गियां जो है अगर एक बीमार हो गई तो सारे के सारे बीमार हो सकती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं आप उनको बोर्ड पे करेंगे। बोर्ड पे करने का मेन एम ये है कि आपको साथ के साथ वो लर्न होने चाहिए। हमारा फोकस बोर्ड पे होगा कि सबसे पहले है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इट इज द फार्मिंग ऑफ फार्मिंग द पालना ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स में मेनली हम किसको पालते हैं भी, हेन एंड डक, ठीक है। What are egg layers and boilers? Egg layers क्या होती हैं? Are the hen which are farmed, जिनको हम पालते हैं, which are farmed to get, क्या मिलता है उनसे हमें, egg. And broilers क्या होते हैं? Broilers are the hen, या चिक चिक भी लिख सकते हैं भी हम, विच आर फाउंड टू ऑब्टेन मीट। इसके बाद व्हाट आर इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड। इंडियन ब्रीड है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है भी इसकी, याद भी रह जाएंगे आपको, असील, काला, कालिया, काजल, ठीक है भी। और एग्जॉटिक ब्रीड व्हाइट लेगहॉर्न, सफेद रंग की जो मुर्गी देखी है हमने, और दूसरा रोड आइलैंड रेड, ठीक है भी। इसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिजायरेबल वैरायटी ऑफ हेन, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला लार्ज अमाउंट ऑफ मीट प्रोडक्शन,
मीट ज्यादा अमाउंट में मिलेगी उनसे। ठीक है, दूसरा फीचर मोर एग लेइंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा फीचर इनका समर में अपने आप को एडेप्ट कर सके। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट, बीमार ना पड़े, डिजीज रेजिस्टेंट, ये चार फीचर्स हैं हेन के। और एक और देख सकते हैं हम, लो मेंटेनेंस, ज्यादा देखभाल की जरूरत ना पड़ी, ये नहीं कि उनके लिए हमें एसी लगाना पड़ रहा है। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, दो टाइप के हैं बताए मैंने, एक एगलेयर्स और एक ब्रॉयलर्स, इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। एगलेयर्स एंड ब्रॉयलर्स दोनों में डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस, हम क्यों क्यों पालते हैं इसमें। एगलेयर्स, दीज आर द हेन विच आर फार्म्ड, जिनको क्यों पालते हैं, विच आर फार्म्ड टू ऑब्टेन, क्या देने के लिए, एग। और ब्रॉयलर्स, दीज आर द हेन विच आर फार्म्ड टू ऑब्टेन मीट। दूसरा, इनका साइज स्मॉल होता है, साइज इज स्मॉल, ब्रॉयलर्स का साइज इज लार्ज। इनकी डाइट के अंदर देयर डाइट इंक्लूड हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनकी डाइट में देयर डाइट इंक्लूड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में होता है एंड फैट। तो ये दोनों में डिफरेंस है एग्लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स में। इसके बाद नेक्स्ट है हनी बी प्रोडक्शन। अब हम जो है मुर्गियों के बाद अब हमें हनी बी पालनी है, मक्खियां। ठीक है, सबसे पहली बात, हनी बी को क्यों पालते हैं भी? उससे हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो हनी मिलता है, साथ साथ वैक्स भी मिलता है। उसका जो हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, उसका जो वैक्स होता है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हनी का तो आपको पता ही है भी, हम अपने फूड में भी यूज करते हैं, दवाइयों में भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और भी, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हनी जो है वो हनी बी का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है भी, वो अपनी सलाइवा से उसको बनाती है। ठीक है, हनी बी जो बैठेगी फूलों के ऊपर, ठीक है, उसका नेक्टर जो है, उसका रस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाद में वो रस उसके सलाइवा में मिक्स होगा, सलाइवा पता है ना मुंह में जो पानी आता है, उसके साथ मिक्स होगा और उसके बाद वो हनी बनाएगी। ठीक है, उसके अब जो है कुछ फार्मर्स जो है वो हनी बी को पालते हैं, पालेंगे कैसे, ये थोड़ी कि उसके गले में जैसे गाय भैंस के गले में रस्सी बांध के पालते हैं वैसे पालेंगे। क्या होता है इनमें खास बात होती है, एक रानी मक्खी होती है क्वीन बी, उसका साइज नॉर्मल मक्खियों से लगभग 4 गुना बड़ा होता है। वो जहां पे रहेगी वहीं पर सारी की सारी मक्खियां रहेंगी, एक तरह से वो उसकी गुलाम होती है। और इनमें भी दो होती है मेरे, तो वर्कर होती है, तो रानी मक्खी हो गई वो तो एक होगी एक छत्ते में, ठीक है, एक होगी वर्कर। वर्कर का काम होता है नेक्टर इकट्ठा करना और शहद बनाना, और एक होती है कौन सी, सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स सिपाही, उनका काम होता है डंक मार, जो डंक मारती है ना भी हमें, वो सोल्जर्स होती है, उनका काम होता है छत्ते की रक्षा करना। ठीक है, और वो जो है अगर उससे डर होता है, खतरा होता है, तो खतरनाक ढंग से डंक मारती है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ देती है। आपको पता होगा कुछ बच्चों को अगर डंक लगा होगा कितना दर्द होता है,
ठीक है। तो ये होता है इसमें, जैसे ही रानी मक्खी अंडा देती है ना और अंडे से बच्चा निकलता है, तब उसको इस तरह का केमिकल जो है वो दे देती है वो, कि वो अब हमेशा उसका गुलाम बन के रहेगा, उसके छत्ते में ही रहेगा, किसी दूसरे के में नहीं जाएगा। ठीक है, अब फार्मर्स क्या करते हैं, हनी बी फार्मर्स भी, फार्मर्स के पास खेत तो होती ही है, खेतों में जो है उन्होंने गेहूं या चावल या इस तरह के जो है प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो वहां पे फूल भी आते हैं बहुत सारे फूल, सरसों है जैसे उसमें फूल आए रहते हैं, तो वहां पर अपने खेतों के अंदर ही वो एपरीज रख लेते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने, एपरीज, जो एक तरह का डब्बा होता है ठीक है, लोहे का या लकड़ी का, और उसमें जो है छेद से छेद होते हैं बहुत सारे, और उनमें मक्खियों को पाला जाता है। मक्खियां जाती हैं खेत से जो है नेक्टर, जो फूलों से नेक्टर ले आती है, रस ले आती है, और उससे क्या बनाती है, शहद बनाती है, बाद में वो शहद को निकाल देते हैं, टेक्निक होती है उनके पास ठीक है। तो इस तरह से उन्हें नेक्टर मिल जाता है, इससे उनकी जो इनकम बढ़ जाती है, डबल फायदा है। पहली बात, जो फ्लावर्स हैं उनमें पोलिनेशन करवाते हैं, पोलिनेशन पता है ना भी, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक बैठे ठीक है, वहां से पोलन ग्रेन्स लेकर और दूसरे फ्लावर तक चलेंगे, जिससे प्लांट में रिप्रोडक्शन फास्ट हो जाती है। दूसरा इनका फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा है कि उनको एडिशनल इनकम मिल गई ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती इसमें, वो डब्बा सा लाना है और मक्खियों को लाना है एक बार भी ठीक है, और जो है उसके बाद उनकी लगातार इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। मक्खियां जो रानी मक्खी एक अंडे देने की मशीन होती है, लगातार अंडे देती रहती है, हजारों अंडे देती है ठीक है, तो इस तरह से जो है उनको एडिशनल इनकम मिल जाती है, ये फायदा है इसका। जहां पर पाले जाते हैं उस डब्बे का नाम क्या बताया मैंने, एपरीज ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो वैरायटी है, एक इंडियन और एक एग्जॉटिक। इंडियन ब्रीड जैसे एपिस मेलिफेरा इंडिका, बड़े अच्छे से नाम है इनके ठीक है, या एपिस डोरसेटा, ये इंडियन ब्रीड है। इंडियन ब्रीड की खास बात क्या होती है कि वो डंक ज्यादा मारती है और हनी कम प्रोड्यूस करती है ठीक है, डंक ज्यादा मारेगी और हनी भी अब एक तरह से जो है बड़ी खतरनाक होती है इंडियन ब्रीड जो होती है, और जो है एक आवारा भी बहुत होती है, आवारा का मतलब छत्ते छोड़ के जो है यहां से वहां कभी भाग जाती है ठीक है, पाला वहां पर, उसके बाद रानी मक्खी को लेके उड़ गई। रानी मक्खी में एक खास बात और होती है, उसको उड़ना नहीं आता भी ठीक है, उसके जो वर्कर्स और सोल्जर्स होते हैं ना भी, वो उसको पकड़ के लेके जाते हैं छेद तीन साइड से, तीन साइड तब जाके उड़ती है वो ठीक है। वो जो है कभी भी अपना जो है बी हाइव जो है छत्ता है उसको छोड़ के भाग सकती है इंडियन ब्रीड। दूसरी है इटालियन ब्रीड। इटालियन ब्रीड में तीन खासियत, लार्ज अमाउंट ऑफ हनी प्रोडक्शन, हनी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाती है। दूसरा, अपने बी हाइव में छत्ते में जो है वो लगभग हमेशा के लिए रहती है, छोड़ के नहीं जाती उसको। और तीसरा खासियत जो है, दे स्टिंग लेस, डंक कम मारती है, इसलिए ज्यादातर जो है इटालियन ब्रीड को ही पाला जाता है ठीक है। और ये दो इसकी वैरायटी होगी। अच्छा, हनी भी जो है कई तरह का होता है। अगर हमने उन मक्खियों को, उन हनी बी को ऐसी जगह पे रखा है, ऐसे फील्ड में रखा है जहां बड़े अच्छे फ्लावर है, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, गेंदे के फूल है, ट्यूलिप है, तो उस हनी की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। और अगर हनी बी को हमने ऐसे फूलों के बीच में रखा हुआ है जो बदबूदार हैं या गंदे हैं, तो वो हनी जो बनाएंगे वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो हनी जो बनाया है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि कौन से टाइप के फ्लावर्स अवेलेबल हैं, और उसको हम पैश्चुरेज कहते हैं। पैश्चुरेज आर द फ्लावर्स विच आर अवेलेबल फॉर हनी प्रोडक्शन बाई हनी बी, उसको हम क्या कहेंगे, पैश्चुरेज है ठीक है। जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे किए हैं, अब उनको हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले बी कीपिंग वाला टॉपिक है। बी कीपिंग क्या है, इट इज फार्मिंग ऑफ, फार्मिंग कह सकते हैं भी, फार्मिंग ऑफ हनी बी। इसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी, हनी बी से दो प्रोडक्ट कौन कौन से मिले, एक तो हनी मिलता है, एक वैक्स मिलता है। वैक्स का कहां यूज है, मेडिसिनल यूज है, दवाइयों में यूज होता है। इसके बाद कौन कौन सी ब्रीड है, इंडियन ब्रीड एंड एग्जॉटिक ब्रीड, दो टाइप के ब्रीड। एक तो याद रखना भी, एपिस नाम होता है इनका ठीक है, एपिस वर्ड आपने सुना होगा, एपिस जो है
वो हनी बी का बायोलॉजिकल नाम है। तो कौन कौन सी ब्रीड है? इंडियन ब्रीड जो है वो है एपिस, सेरेना, इंडिका, ठीक है। दूसरी जो ब्रीड है वो है एपिस डोरसेटा, तीसरी जो ब्रीड है जो फेमस है इसकी वो है एपिस फ्लोरा, ये तीन जो है इंडियन ब्रीड है, एक्सोटिक ब्रीड या इटालियन ब्रीड एपिस मेलिफेरा, ठीक है भाई। ये याद रखना, ये वाली ब्रीड जो है वो इटालियन ब्रीड है। इसके बाद एपिस डोरसेटा का कॉमन नाम रॉक बी, पहाड़ी मक्खी, और इसका लिटिल बी, ये कॉमन नाम है इसकी। एपिस मेलिफेरा ये ध्यान रखना इटालियन ब्रीड है, इटालियन पिज्जा ही नहीं होता, ध्यान रखना भी इटालियन ब्रीड होएगी। फीचर्स ऑफ इटालियन ब्रीड क्या मेन फीचर्स हैं? पहली बात, दे स्टिंगलेस, डंक कम मारती है। दूसरी खास बात, दे स्टे इन बी हाइव, बी हाइव में लंबे टाइम तक रहती है। फोर, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी खास बात, लार्ज अमाउंट ऑफ हनी प्रोडक्शन। चौथी खास, बस तीन तो बहुत है, ठीक है। पैश्चुरेज क्या है? दीज आर द काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड नेक्टर अवेलेबल टू हनी बी फॉर हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन के लिए जो उनको फ्लावर्स या नेक्टर अवेलेबल है उसको हम क्या कहेंगे? पैश्चुरेज, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ हनी? क्वालिटी ऑफ हनी को डिसाइड करने वाला फैक्टर है द क्वालिटी ऑफ पैश्चुरेज। जितनी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स यानी पैश्चुरेज अवेलेबल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का क्या होगा? हनी आएगा, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ पैश्चुरेज भी, जितने ज्यादा अमाउंट में पैश्चुरेज यानी फ्लावर्स अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा अमाउंट में हनी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हनी की क्वालिटी या उसका टेस्ट जो है ये दो फैक्टर्स डिपेंड जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में दो चीजों को पाला भी, पहले तो हमने मुर्गी पाली, ठीक है, दूसरा जो है हनी बी को पाला। अब एक टॉपिक और रह गया, नेक्स्ट क्लास में हम मछली पालेंगे और इसके बाद जो है सभी का पालना पोसना बंद हो जाएगा, ठीक है भी? फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, फिश फार्मिंग, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। टॉपिक को साथ साथ लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।